दोस्तों फरीदाबाद का बीके अस्पताल, जहां बता दें कि पाली गांव की एक बिटिया की कल जान गई थी और बताया जा रहा है कि दहेज के लिए हत्या की गई है। पूरा मामला परिजन बताएंगे, लेकिन सेक्टर 21 पुलिस चौकी में कल शिकायत दी गई थी और कहा गया था कि काफ़ी समय से ससुराल वाले परेशान कर रहे थे, तंग कर रहे थे। कल इस सिलसिले में एक पंचायत भी थी और लगभग 3 बजे महिला के भाई के पास फ़ोन आता है 3:08 पर कि कुछ हो गया है, और उसके बाद फिर जो कुछ हुआ भी बताएंगे, जुड़ जाएं। भाई किलो चांदी दी, 7.5 लाख रुपए नकद दिया, एक टॉप मॉडल क्रेटा दी, और उसके बावजूद भी वो हर महीने लड़कियों को, कभी छोटी को कभी बड़ी को, इधर उधर छोड़ जाते थे कि लाओ 50,000 रुपए ले आओ, 1,00,000 रुपए ले आओ। इस तरह से वो लड़कियां बेचारी चुपचाप होते, गांव में शरीफ लोग हैं, ये ले जाते रहते थे। अब इन्होंने 1.5 साल बाद एक और नया वो छोड़ा कि भाई जो छोटी लड़की है उसकी हाइट कम है तो हम इसको नहीं रखेंगे। तो फिर जब इंक्वायरी करेगी तो इंक्वायरी में पता लगा कि छोटे लड़के की कोई और गर्लफ्रेंड है, वो मुस्लिम गर्लफ्रेंड है, उसके साथ वो रहता है, लिव इन रिलेशनशिप में, और उसकी वजह से वो छोटी लड़की को पसंद नहीं करता है। तो इन्होंने प्रेशर दिया कि हम छोटी लड़की को नहीं रखेंगे। तो ये हमारे लिए, गांव समाज के लिए एक बहुत बड़ा, मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा धब्बा होता है पूरे परिवार के ऊपर कि भाई हमारी लड़की को ऐसे नकार दिया। तो उस दिन के बाद इनकी करीबन 4 साल से खटपट चल रही थी, ये लड़की को कभी नहीं लेके जा रहा था। बीच बीच में सरपंच भी और बाकी जो गांव के मौजूद आदमी है वो सब इनसे रिक्वेस्ट करते थे, पंचायत भी हुई कई बार, और एक पंचायत इन्होंने कल भी करी। तो कल इनके घर के जो ससुराल है उसके घर के कुछ 500 मीटर दूर ही एक कमरे में पंचायत चल रही थी, और उस पंचायत के दौरान इनके घर में आपस में वो लड़ाई चल रही थी सोने चांदी के लिए, या कुछ आपस में झगड़ा चल रहा था पैसे के लेन देन का। तो जो बड़ी लड़की है वो छोटी लड़की जो कि पाली में है उसको फोन मिला रही थी बार बार। तो 2 बार उसने फोन मिलाने की, कुछ लंबी बात करने की कोशिश करी, लेकिन उसका फोन छीन ले रहे थे या गिर जा रहा था, वो फोन पे बात पूरी नहीं हो पा रही थी। तो एक बार इन्होंने भी ट्राई किया, कभी ये मिला रहे हैं कभी वो मिला रहे हैं, और उस लड़की को हाय हेलो करते ही वो फोन कट जाता था, गिर जाता था। इसका मतलब वो लड़की के साथ मारपीट कर रहे थे उस टाइम। फिर जब ये थोड़ी बहुत देर बाद जब इनको शक हुआ, इनकी छोटी बहन ने इनको फोन किया कि भाई प्रीति के साथ कुछ गलत हो रहा है, वो फोन करने वाली है और वो फोन मिल नहीं रहा है, अब गिर जा रहा है फोन बार बार ऐसे कर रही है। तो ये भाग के उस पंचायत में से लड़की के पास गए, तो वहां देखा वहां कोई नहीं था। उसकी सास ने उस लड़की को, प्रीति को जो बड़ी वाली है, उसको बेड पे लिटा रखा था और पानी फेंक रही थी उसके ऊपर, जैसे छींटे मार रही है, और उसको शोर मचा रही थी इसको ले जाओ ले जाओ। जब ये गए तो इन्होंने देखा कि वहाँ से सब लोग भाग चुके थे अपने कपड़े वपड़े पैक करके, और ये जो लड़का है, जो अंकुर लड़का है, अंकुर बैसला करके है, गुलाबत गांव का, तो वो अपनी माँ को, अपनी छोटी बहन को, और जो घर में जो बच्चे थे उनको एक गाड़ी है 3737 नंबर जो क्रेटा है उसमें लेके गायब हो गया। अब इस लड़के की मैं आपको बताता हूँ कि ये लड़का जो आपने सुना होगा बड़खल झील के पास एक हथौड़ा कांड हुआ था, उसमें आदमी को पीट पीट के मारा था, उसमें भी ये बिल्कुल उसी गैंग का आदमी है ये। तो ये फतेहपुर के कुछ क्रिमिनल मेंटालिटी के लोग हैं, उनके साथ इसका रहता था। ओयो का ये धंधा करते हैं, कहीं लड़कियां सप्लाई करने का काम करते हैं और सट्टा खिलाने का काम करते हैं लोग, ऐसा मतलब इनकी जो बहनें हैं उनको पता लग गया 1-2 साल बाद। तो वो कहीं ना कहीं वो जो बातें खुलती चली जाती है कि तुम तो सरकारी नौकरी लग रहे थे, तुम तो सट्टे का काम करते हो, पूरी रात तुम गायब रहते हो, 2-2 महीने तक तुम्हें पुलिस उठा के ले जाती है, तो ये सब बातों से वो बहुत, मतलब उनको बेइज्जती फील होती है, घर में कलेश होने लगे थे। अच्छा, दूसरी बात, एक भैंसरावली में अभी एक क्रिमिनल एक एक्टिविटी हुई थी जिसमें एक लड़के के हाथ पैर तोड़े थे और एक की मौत करी थी, गोली मारी थी, उसमें भी ये लड़का था। एक बार इस लड़की ने मुझे बताया कि इसका जो पति है वो 2-2 रिवॉल्वर लेके सोता है, मतलब इतना बड़ा आतंक था इसका, और सारे नेताओं की इसके साथ जान पहचान थी। तो ऐसे क्रिमिनल घर वालों के साथ ये फंस गए बेचारे, और आज हालत ये देखेगी उसकी, यहाँ पे लड़की के निशान है, उंगलियों से जैसे दबा देते ना कि दबा के ही मार दिया उसको बेचारे को। अब पोस्टमार्टम हो रहा है, देखते जी क्या रिपोर्ट जब आती है। शायद 3:08 पर फोन आया था इनके पास जो है, भाइयों पास। हाँ, तो कितने बजे पहुंचे थे ये वहाँ जो है? बस वहीं, ये 500 मीटर दूर थे जी, ये तुरंत पहुंच गए, तब तक तो खेल खत्म। अच्छा जितेंद्र जी, ये 3 साल से चल रहा था खेल जी, तो आप लोगों ने ये नहीं कहा लड़की को घर बिठाए? लड़की घर ही है जो, छोटी वाली घर ही है, तो बड़ी वाली, बड़ी वाली अपने ससुराल में थी वो। हाँ, बट वो प्रेशर डालती थी कि मेरी छोटी बहन को लेके आओ। ऐसे कौन, अब वो 25-26 साल की लड़की है कैसे घर बैठ जाएगी भाई? शादी करी है, उसके माँ बाप ने इज्जत से दी है, पैसा लगाया पूरा, तो ये लोग तो मतलब बस दहेज लेने के लिए थे, बाकी तो इन्होंने मजे ही कर। जितेंद्र जी, जो पंचायत हुई थी, कहा जा रहा है 2-4 दिन पहले भी फोन आया था लड़की का, प्रीति नाम है, क्या नाम? प्रीति नाम है, कि फोन आया था कि मैं परेशान हूँ, मुझे मेरे साथ ऐसा होने वाला है जो है। नहीं, 2-4 दिन पहले नहीं, सुबह ही उसने बोला था कि
मेरे को ले जाओ ये मेरे को मारेंगे। अच्छा। ऐसा कुछ उसने बोला था। तो अब क्योंकि सब सारा हमारे जो घर परिवार के सारे लोग उसके घर पे आए हुए हैं, पंचायत हो रही है, तो ऐसा तो हमने कहीं नहीं सुना क्योंकि चलो चोरी छुपके कहीं इधर उधर तो आदमी कुछ मार हत्या कर देता, लेकिन सबके सामने जब पूरा घर बैठा है और तुम कमरे में जाके उसका गला दबा के घूट दो, ये तो बहुत ही बड़ी क्रिमिनल जो मेंटालिटी के लोग है ना, एक्सपर्टीज वाले लोग है। पंचायत को भी डर नहीं है, पुलिस ने शायद एफ आई आर दर्ज कर ली है, पुलिस ने एफ आई आर दर्ज करी, पुलिस काम कर भी रही है, कल अभी तक कोई धरपकड़ नहीं। शायद 21 चौकी में एसीपी साहब पहुंचे थे, उन्होंने कहा था कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। अभी भी एसएचओ मैडम आई है, उन्होंने पूरा विश्वास दिया, सारा गांव है हमारा पाली गांव, तो विश्वास दिया उन्होंने कि भाई हम जल्दी पकड़ेंगे, बट अभी तक तो कुछ सूचना हमें लगी। हाँ हत्या का जी, हमारे तो हत्या का केस बनता है, दहेज का, टॉर्चर का, सारा हमारा तो पूरा घर बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। कितना दहेज दिया था आप लोगों ने? 35 तोले सोना, 2.5 किलो चांदी, 1 टॉप मॉडल क्रेटा गाड़ी, 7.5 लाख रुपए नगद, और जो रोजाना आए दिन ये मांगते थे ना, 1 लाख 2 लाख 1500, वो सब जाता ही रहता था। सोना चांदी वो अलग, जो रिश्तेदारी में जाता रहता है वो सब अलग कपड़े। अभी फिलहाल भैया क्या मैं आपकी मांग है कानून से? हमारी मांग तो ये जी कानून, पुलिस जो है अपना काम करे और जो हत्यारे हैं जो गलत किया है जिन्होंने, वो अपना मतलब उनको पकड़े और उनको सजा दी जानी चाहिए पूरी। लड़की को न्याय, घर को न्याय। तो देख सकते हैं पाली गांव के लोग हैं, बहुत परेशान हैं, झूठ बोल बोल के। और ये देखें, ये छोटे भाई, दोनों भाई हैं, इनके पास ही फोन आया था 3 बजकर 8 मिनट 2-3 साल से। दो भाई हैं, दो बहनें थी, दोनों बहनों की एक साथ शादी हुई। ये इनके पिताजी हैं, ये पिताजी हैं, ये फैक्ट्री में काम करते हैं। जैसे तैसे करके इन्होंने इनके लड़कों की मांग पूरी करने के लिए दहेज का इंतजाम करा, हालांकि इनके पास वो जो खेत बिका था सारा पैसा इन्होंने लूटा इसका, ये इनके पास आज कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब खा गए वो। अब और क्या मांग रहे थे जो है? डेली मांगते थे वो। अच्छा, डेली मांगते थे। कोई काम धंधा नहीं था। उसका बाप जो है वो फ्रॉड आदमी है, वो बीएसएफ में बताता है अपने आप को। अच्छा। आए दिन मोबाइल नंबर बदलता है, कभी कहीं से फोन करता है, कभी कहीं से फोन करता है। जो लड़का है उसको पहले बता रहे थे कि भाई सरकारी नौकरी लगने वाला है, तो ये फंस गए ये बिचौलिया के चक्कर में कि भाई बढ़िया लड़का मिले हमें, साफ सुथरे हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन ना तो वो पढ़े लिखे हैं, वो क्राइम उनका हिस्ट्री रही है और उनके जो काम धंधे वो क्रिमिनल ही एक्टिविटीज करते थे सारे। ये अपनी इज्जत बचाने के लिए उनको जितना वो पैसे मांगते थे देते रहे, जब इनके बर्दाश्त नहीं हुई तो इन्होंने भी फिर पंचायतें करना स्टार्ट करा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं पाली गांव के लोग हैं, बहुत परेशान हैं। यहाँ बीके पोस्टमार्टम हो रहा है प्रीति का, और तमाम लोग हैं गांव के। हरियाणा अब तक से पुष्पेंद्र सिंह राजपूत।